ध्यान दीजिएगा, जब आप k की वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखिए जिसको नीचे दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा देखिए, e इज इक्वल टू k की वैल्यू रखो, हाफ m सॉरी हाफ कितना बेटा z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या r, ये किसकी वैल्यू है k की, अब वैल्यू किसकी रखो u की माइनस जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू आर। अब यहाँ देखिए जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या आर, ना दिखाओ पहले देख लो, जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या बेटा आर, ये आधा है और इसमें से पूरा खड़ा खड़ा घटा रहे हो, जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या आर, जब आधा में से खड़ा खड़ा घटाओगे तो माइनस में क्या आएगा आधा, समझ पाए चीज को, इसमें आधा आएगा माइनस में, यहाँ निकाल दीजिए इज इक्वल टू माइनस में आधा कितना बेटा जेडी स्क्वायर बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या बेटा आर, ये आ गई कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा नहीं, इतनी ऊर्जा नहीं, पूरी की पूरी क्या ऊर्जा, कौन सी कक्षा में, एनवी की कक्षा, कौन सी कक्षा बेटा एनवी कक्षा में, समझ सके इस चीज को, यस सर, नहीं समझी, समझ